अज दिन की शुरुआत असी की पिंड गुनीके तो चल के उस स्थान पर आ पुजन की जिहड़ा कि धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की प्रचार यात्रा का अगला पड़ाव से, यानी कि पिंड अलोअर्क। यह स्थान दिल्ली तो तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर है, तो नाभा शहर जिहड़ा है वह इतों तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ज़िला इतने का संगरूर पैंदा है, तो एयरपोर्ट वो हैगा चंडीगढ़ वाला यूज़ कर सकते हो तुसी, जिहड़ा कि तकरीबन 100 किलोमीटर के नेड़े तेड़े ते ही है। जिस स्थान पर असी इस वक्त खलोते हैं, यह गुरद्वारा श्री मंजी साहब जी पातशाही नौवीं के नाते जाने जाता है, जिहड़ा पिंड अलोअर्क सुशोभित है। इस स्थान का इतिहास धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के अलावा छोटे साहबजादा नाल भी जुड़िया हुआ है। यह सारा इतिहास आप जी असी आज दसांगे, उस तो पहले अंदर जाके अरदास करने हैं, दर्शन करने हैं। आओ तुसी भी साढ़े नाल चलो, तो पहले इस इतिहासिक स्थान के दर्शन करो। धन नौवें पातशाह जी सीस हिंद लई वारिया, नौवें पातशाह जी सीस हिंद लई वारिया। हाहाकार सी कोई एनू रोक लावे कीती धर्म पुकार सी, कोई एनू रोक लावे कीती धर्म पुकार सी। समरथ गुरु बिना, समरथ गुरु बिना इंसाफ जांदा हारिया, धन नौवें पातशाह जी सीस हिंद लई वारिया, धन नौवें पातशाह जी सीस हिंद लई वारिया, नौवें पातशाह जी सीस हिंद लई वारिया। धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी पिंड गुनीके तो चल के जिहड़े अगले स्थान पर आ के रुकते ने, वह स्थान सीगा पिंड काकड़ा। काकड़ा पिंड की जमीन जिहड़ी है वो अलोवर्क जिथे कि गुरद्वारा साहब सुशोभित ने उहदे नाल लगदी हुई सी। उह स्थान पिंड तो बाहर सी, हमेशा की तरह गुरु साहब पिंड दे बाहर ही अपना डेरा लांदे सी। इस स्थान के उत्ते एक निम का पेड़ सी, उस पेड़ के थले गुरु साहब अपना आसन लगाते हैं, तो जो संगतां नूं पता लगता है तो सारियां संगतां नेड़े दे पिंडां दियां वो कट्ठियां हो जांदियां ने, तो आ के गुरु साहब की सेवा विच लग जांदियां ने। गुरु साहब जिस वक्त भी यात्रा के दौरान जाते सीगे अपने नाल अपने तंबू तो होर उत्थे रात रुकण का समान नाल लैके तुरदे सी। जिहड़ियां संगतां पिंड तो कट्ठियां होईयां उन्होंने गुरु साहब के तंबू लगाए, उत्थे रहण दा इंतजाम कीता ते लंगर पानी की व्यवस्था की। जिस निम दे पेड़ दे थले गुरु साहब जी विराजे सी, लोगों का इस तरह मनना है उन्होंने जाण तो बाद वो निम दे पेड़ दे पत्ते वो मिठे हो गए। यह विश्वास ते धर्म का सवाल है, इहदे बारे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। कई सारे स्थानों पर इस तरह देखने मिलिया है, जिस तरह रीठा साहब दा गुरुद्वारा जिहड़ा हैगा वो दा जीता जागता एग्जाम्पल है। अगले दिन जिस वक्त उस जमीन दे मालिक नूं यह पता लगता है कि गुरु नानक दी नौवीं जोत धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी इत्थे आ के विराजे ने, तो वह भी उन्हां दी जमीन दे उत्ते उन्होंने डेरा लाया है, तो उहदी खुशी का ठिकाना नहीं रहिंदा। वो अपने पूरे परिवार समेत लंगर पानी का इंतजाम कर गुरु साहब के दरबार में हाजरी भरदा। इत्थे आ के
वो गुरु साहब को माफ़ी मंगता है कि मैं बड़ी देर बाद आप जी के आने का इतने पता लग गया तो तुम बड़े थोड़े समय ले आए हो तो तुम मैं कोई सेवा बख्शो। गुरु साहब उन्होंने अपने कोल बिठाते ने गलबकरी पाते ने उदे नाल ते उन्हों कहंदे ने जिस वक्त मौका आएगा समय आएगा आप जी सेवा जरूर बख्शी जाएगी। तो इतिहास में वो समा भी आया जिद बारे आप जी का जिक्र बाद करांगे। वो व्यक्ति जिदी इतने जमीन सी जिदे स्थान के उत्ते धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी आके विराजे, गुरु साहब जी ने उन्हों असीसा दित्तियां ते उदा व्यापार उदा परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे ऐसे आशीर्वाद दिते। इस उपरांत गुरु साहब जी अपनी यात्रा दे वल अगे तुर पैंदे ने। हुण आप जी सोचोगे कि वो व्यक्ति जिन्हों गुरु साहब आशीर्वाद दे के गए सी वो कौन सी, तो आओ आप जी नाल उस व्यक्ति दे बारे विच जिहड़ा कि गुरु घर दा बड़ा ही जुड़ा हुआ एक सेवक सी, असीं उन्हूं सिख भी मान सकने हैगे आ क्योंकि जिहड़े भी गुरु घर नाल जुड़े हुंदे सीगे उन्हां नूं असीं उस वक्त सिख ही कहिंदे सी। ओ गुरु दा सिख ओ गुरु दा सेवक कौन सी आओ तुहानूं उहदे बारे विच वी दसदे आ। आओ हुण तुहानूं दस्सने आ कि गुरु साहब का वह महान सेवक जिहदे जिम्मे एक महान सेवा लगी जिहड़ा कि इतिहास दे विच एक मुख पात्र दे रूप विच उभरिया वह कौन सी, उहदा नां सी टोडरमल जिन्हों असी दीवान टोडरमल दे नाते भी जानने आ। टोडरमल जैन समाज का एक व्यापारी सी, उही टोडरमल है जिन्हों इतिहास के दीवान टोडरमल के नाते जाने जाता है तो जिन्हें छोटे साहबजादियों की शहीदी तो बाद एक मुख्य भूमिका निभाई सी। व्यापारी होने के नाल नाल वजीर खान के दरबार के एक दरबारी के रूप में भी जाने जाता सी। छोटे साहबजादियों की शहादत तो पहले उन्हें बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके नाल नवाब खान नू कुछ पैसे दे के या वो शहादत टल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सकया। शहादत होने तो बाद जिस वक्त माता गुजरी जी ते छोटे साहबजादा का संस्कार करना सी ते कोई भी बंदा संस्कार लई जमीन देने वास्ते राजी नहीं सी। दीवान टोडरमल ने वजीर खान नू जिस वक्त बेनती की ते वजीर खान एक शर्त दे उत्ते जमीन देने वास्ते राजी होया। उन्हें आख्या कि तुहानू जिनी भी जमीन चाहिए है उतनी जमीन दे उत्ते तुसी सोने दी मोहरां विछा दिओ तो उन्हीं जमीन मेरे को ले लो। इतिहास गवाह है कि अज तक किसी दे भी संस्कार लई इतनी महंगी जमीन नहीं खरीदी गई। टोडरमल ने जिस वक्त जमीन दे उत्ते मोहरां विछाणियां शुरू कीतियां तो वजीर खान नूं लालच आ गया तो उन्हें टोडरमल नूं आख्या कि मैं ते तुहानूं मोहरां कहियां सीगियां खड़ियां करके विछाण वास्ते ते तुसी ते लेटवियां विछा रहे हो। खड़ियां मोहरां ते लेटियां मोहरां दे अंदर जमीन आसमान दा अंतर है। टोडरमल जी ने जिनी जमीन उन्हां नूं संस्कार लई चाहीदी सी उन्होंने सारी जमीन दे उत्ते सोने दी मोहरां खड़ियां कीतियां ते उन्नी जमीन माता गुजरी जी दे ते छोटे साहबजादां दे वास्ते नवाब वजीर खान तो मुल लई। ओ शख्स सीगे टोडरमल जी। संस्कार तो बाद दीवान टोडरमल जी ने जिहड़ियां अस्थियां सी ओ कलश च पाईआं ते माता गुजरी जी ते छोटे साहबजादा दी अस्थियां वो नहीं चाहते सी कि किसी ऐसी जगह दे उत्ते उन्हां दा प्रवाह किया जाए जिहड़ा कि मुगल साम्राज दे अंदर होवे। वख-वख इतिहासकारां ने इहदे बारे विच वख-वख तरीके नाल लिखिया है। कुछ लोगों का यह मनना हैगा कि वो कुछ अस्थियां उत्थे छड आए सी ते राख ते कुछ अस्थियां अपने पिंड काकड़ा जिथे कि गुरद्वारा श्री मंजी साहब जी जिथे माता गुजर कौर जी ते छोटे साहबजादियों की याद च एक गुरद्वारा साहब सुशोभित है इस स्थान के उत्ते आके उन्होंने जमीन दे विच
वो अस्थि का कलश उत्थे दबाया, ऐसा इतिहास दसदा है। ऐसी करके गुरद्वारा साहब का नाँ गुरद्वारा श्री मंजी साहब यादगार स्थान माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादे जी के नाँ तो जाने जाता है। जिस स्थान के उत्ते छोटे साहबजादा ते माता गुजर कौर जी का संस्कार किया गया सीगा, जिहड़ी जमीन टोडरमल जी ने मुल लीती सीगी, उस स्थान के उत्ते अज एक सुंदर गुरद्वारा साहब सुशोभित है जिहड़ा कि सरहंद विच है, जिन्हों गुरद्वारा श्री ज्योति स्वरूप के नाँ तो जाने जाता है। यह सीगी वो महान सेवा जिहड़ी गुरु साहब उन्होंने बख्श गए सी, उन्होंने माता जी का ते छोटे साहबजादा का संस्कार भी किया, उनकी जमीन भी मुल लई ते नाल उन्हां दी अस्थियां अपने पिंड विच लै के आए। ऐसी महान सेवा का अवसर गुरु विरले बंदियां नूं ही बख्शदा है, ते उहदे विचों एक सीगे दीवान टोडरमल जी। अज दे एपीसोड विच आप जी ने दर्शन किए इतिहासिक गुरद्वारा गुरद्वारा श्री मंजी साहब जी पातशाही नौवीं, जिन्हों यादगार स्थान माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादा के नाते भी जाने जाता है। कल आप जी एक होर इतिहासिक स्थान ते लैके चलांगे जिहड़ा कि भवानी गढ़ दे विच होएगा। तद तक तुसी ऐसी तरह नाल साडे नाल बने रहो, अपना प्यार देंदे रहो, तो वेखते रहो स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी साढ़े यूट्यूब चैनल के उत्ते। कल आप जी नाल फिर मुलाकात होएगी, तद तक दे लई इजाजत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कर दे जो मजलूमा ले हर एक धर्म दया दे।